गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा देखिए जॉगिंग मैं कैसे करती हूँ, एक्सरसाइज तो आप लोग देख लीजिए मैं कितना करती हूँ और कितना पसीना पसीना हो गई जो एक्सरसाइज करके। देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं ऐसे ऐसे हर डे में कर रही हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब मेरे चैनल को न्यू विजिट करते तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ऑल बटन के साथ। तो कंटिन्यू कीजिएगा, और ब्लॉग भी है मेरे आगे, तो मिस मत कीजिए और स्किप मत कीजिए। आगे देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। Thank you.
है एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लीलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। हम भी अच्छे हैं, मेरा फैमिली भी अच्छे हैं। लेकिन मतलब थोड़ा सा ससुर जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और देखिए, मैं तो जो बाल हेयर ऑयलिंग वाला तो वीडियो अपलोड की थी कल, और ये है अगले दिन का, मतलब जो मंगलवार दिन का वीडियो है। मंगलवार दिन वो जो हमारे राधा रानी का जन्मदिन है, तो इसीलिए मैं बाल को अच्छी तरह से वॉश कर ली। वॉश करने के बाद उसको मैं, मतलब जो हमारा टॉवल है, कपड़ा वाला टॉवल है, उसी में से मैं झाड़ के पानी को सुखा रही थी। वैसे तो करंट नहीं था घर में, मतलब हमारा यहाँ करंट का डिस्टर्बेंस बहुत होता है। बारिश हो ना हो फिर भी करंट का डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। मैं हेयर ड्रायर से मैं धो सुखा लेती। आज जो मतलब जो सुबह का बारिश बहुत हो रहा था, और ऊपर से बाल को धोओगे ठीक से, नहीं सुखाओगे तो सर्दी जुकाम सब कुछ हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बाल को धोने के लिए, सुखाने के लिए लाइन करंट खोज रही थी, करंट लेकिन नहीं था, आया 10-11 बजे के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ। आज राधा अष्टमी है, राधा जी का जन्मदिन है, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। तो येलो कलर साड़ी में देखिए, पूजा के दिन तो येलो अच्छा होता है, शुभ होता है मानते हैं, कहते हैं। तो मैं जिगजाग वाला लाइट कलर, जिगजाग वाला थोड़ा सा येलो, मतलब थोड़ा सा उसी हैंकी को मुझे चाहिए था। पिछले जन्माष्टमी के दिन नहीं ली थी हैंकी, तो हाथ में घी हुआ था ना, पूछने को भी कुछ नहीं मिला। तो मैं आज लेके जाऊंगी, तो मॉडल टक करके जाती हूँ। और होगा तो क्लिप मैं शूट करूँगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो मैं है जो हमारा मॉडल स्टाइल हैंकी टक करके जा रही हूँ। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? तो बार बार बोल रहे हो से एक ही टाइप का कर रही हो कहते हैं, तो क्या करूँगी? मैं तो हाउसवाइफ हूँ, एक ही टाइप का नहीं करूँगी तो और कौन सी करूँगी। चलिए मैं चलती हूँ, आज मेरा उपवास है। कहते हैं जन्माष्टमी जो करते हैं, राधाष्टमी भी करना चाहिए। तो हम जो हमारा जो ब्राह्मण है, वो बोले आप लोग करते हो ना जन्माष्टमी, तो आप लोग राधाष्टमी भी करना चाहिए। तो सब मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन हो गया, काफ़ी साल हो गया, मैं राधाष्टमी भी कर रही हूँ, उपवास कर रही हूँ। तो चलिए मैं चलती हूँ आगे फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं जो भोग लेकर मैं मेरे मंदिर से, मंदिर में सब कुछ था, थाली और जो भोग का थाली लेकर मैं बाहर, मतलब मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। नज़दीक में मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो वहाँ जा रही थी, वहाँ पूजा करने के लिए। एकदम से रोड की इधर हमारे घर, रोड की उस पर, और जो हमारा राधा रानी, राधे कृष्णा जी का मंदिर है, वहाँ मैं पूजा करने चली जाती हूँ। तो ये मंगलवार दिन का वीडियो था। ओके, चलती हूँ। पृथ्वी नमः श्री अक्षते लक्ष्मीश्च पद्माहम् अहोरात्रे पाषाणकेन्द्राणि रूपमयि शालं प्रभुनौ व्याकमिष्टानि सनाः मुरुमयि सनाः। राधा अष्टमी 2 दिन में होता है, दिन डे में 12 बजे, 12:30, 1 बजे में गई थी। तो दिन में पूजा की थी, तो थोड़ा पूजा के थोड़ा सा क्लिप में दे दिया। तो जी, पूजा खत्म हो गया, मैं पूजा करके आ गई। दिन में होता है, डे में होता है पूजा, 12-12:30 से होता है पूजा। तो पूजा करने के लिए गई थी, पूजा खत्म हो गया, आ गई। चलिए अभी मैं रखती हूँ, चेंज करूँगी।
देखिए हमारे गणेश जी का भसानी उत्सव में कैसे लड़के नाच रहे हैं, मतलब नागिन डांस कर रहे हैं रोड पे। तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली उसी दिन का, जो हमारा राधा अष्टमी के दिन। तो देखिए कैसे ढोलक बजाते हैं, कितने जोर से भरे अच्छे से लिए हैं। मैं थोड़ा सा क्लिप ले पाई, पास में जाकर मैं नहीं ले पाई। अभी अभी देखिए अभी कैसे रोड पे नीचे नागिन डांस लड़के लोग कैसे नाचते हैं, तो देख लीजिए। और फ्रेंड्स ओके बाय, नेक्स्ट ब्लॉग से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।